इंदौर के समीप भकलाए में विगत दिन हुई स्टेशन में आगजनी की घटना के बाद मंगलवार को शहर में जलप्रदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके चलते शहर की 31 टंकियों में पानी नहीं पहुंचा। वहीं जलप्रदाय को सुचारू करने के लिए नगर निगम की टीम प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना से लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसको लेकर अब यह तय किया जाना है कि स्टेशन की डीपी का खर्च एमपीईबी वहन करेगा या फिर नगर निगम। दरअसल इंदौर के भरी क्षेत्र के भकलाए गांव स्थित सब स्टेशन में 25 मेगावाट ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव की वजह से आग लग गई और नर्मदा की थर्ड फेज की लाइन बंद हो गई। इसकी वजह से मंगलवार को शहर का जल प्रदाय बिगड़ गया। इसके चलते शहर की 31 टंकियां खाली रह गई। हमारा थर्ड फेज का एक जो सब स्टेशन बना हुआ है भकलाए के अंदर, और भकलाए के अंदर जो सब स्टेशन बना हुआ है कल उसमें लीकेज प्रारंभ हुआ, और लीकेज प्रारंभ होने के कारण जो आयल लीकेज हुआ और जब आयल फैलने लगा तो उसके अंदर आग लगी, और आग लगने के कारण पूरा स्टेशन ध्वस्त हो गया और ट्रांसफार्मर पूरा जल गया है। उसको चेंज करने की हमारी तैयारी चल रही है और पूरा बदलने का हम काम कर रहेंगे। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आज शाम के 5 बजे तक वो हमारा काम हो जाएगा। और लेकिन हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था करी है कि 180 एमएलडी जो हम थर्ड फेज से पानी लेते हैं तो लाइन चेंज करके हमने 180 एमएलडी पानी कल चालू भी किया थर्ड फेज का। लेकिन अभी हमारा जो पानी आ रहा है 180 एमएलडी अभी थर्ड फेज से आ रहा है, 70 एमएलडी हमारा फर्स्ट सेकंड फेज से आ रहा था। अभी शाम तक ये संभावना है कि हमारा वो पूरा स्टेशन चालू हो जाएगा, लेकिन 110 एमएलडी पानी अभी सुबह 9 बजे से चालू हुआ हैगा और 180 अभी हमारा पानी चल रहा हैगा थर्ड फेज से। इस प्रकार से कुल मिला के 290 एमएलडी पानी अभी शाम तक हमारा इंदौर तक चलेगा, और उसके बाद शाम के बाद 450 एमएलडी पानी की वापस संभावना व्यक्त हैगी कि ये शाम तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। इस पूरे सब स्टेशन जलने के कारण लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब हम उस पर देख रहेंगे कि वो खर्च कौन वहन करेगा, एमपीबी करेगी या हमको उठाना पड़ेगा, वो हम देख रहेंगे। क्योंकि नुकसान बड़ा हुआ हैगा तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आती है ये हमको देखना है। लेकिन अभी तत्काल में हमको शहर को पानी देना था, इसलिए हमने उसको तत्काल उस काम को कराया है।